असलम नाजरीन आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल नाजरीन आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है बात तो हम करेंगे क्रिकेट पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर और जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर उसका भी जायजा लेंगे और साथ साथ मोइन खान साहब के हवाले से जो कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि गए थे चीफ सेलेक्टर की हैसियत से उस पर बड़े सवाल उठाए कि वो क्यों गए चीफ सेलेक्टर की हैसियत से उनका वहां पर क्या काम था और फिर बाद में कसीनो वाली उनकी स्टोरी आई उन्होंने माफी भी मांग ली मांग ली है और अब ऐसा लगता है कि बोर्ड ने फैसला करना है कि उनके साथ क्या होगा एक शख्स माफी मांग चुका है लेकिन आज जो हम देख रहे हो जो इतलात मुझ तक पहुंच रही है यहां बैठे हुए इस्लामाबाद में कि उनके घर के बाहर चंद हैं जो कि शायद एहतजाज कर रहे हैं बड़ी ही नामुनासिब बात है कुछ करना है तो वो आवाम ने नहीं करना है बोर्ड ने करना है अगर उनकी कोई गलती थी या उन्होंने कोई रूल को वायलेट किया है और कुछ टीवी टीवी चैनल्स भी शायद इस तरह का मंजर पेश करें कि कोई बहुत बड़ा एहतजा है ये चंद लोग हैं जो वहां पर ये हरकत कर रहे हैं और मेरे ख्याल से गैर मुनासिब हरकतें ये नहीं होना चाहिए कौमी खिलाड़ी रहे पाकिस्तान के हीरो रहे अगर कोई गलती हुई है बोर्ड ने इसका फैसला करना है इस पर भी हम प्रोग्राम में बात ज़रूर करेंगे और आज के प्रोग्राम में मैं चंद अहम इंकशाफ करने जा रहा हूँ किस तरीके से लोग अपने मनमानी के प्लेयर्स को टीम में शामिल करते हैं इस पर मैं आपको एक एविडेंस दिखाऊंगा और उस पर भी इस प्रोग्राम में बात होगी लेकिन आज के पैनल पे हमें ज्वाइन किया है फिर सोहेल साहब ने जो कि

लेकिन अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आवाम की जानब से भी कि बाहर एहतजाज हो रहा है उनके घर के और जिस तरीके से मीडिया अब इसको प्ले अप कर रहे हैं देखिए शहजाद सबसे पहले तो मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने ये जो उनके घर के सामने हो रहा है उसको नाम कहा है बिल्कुल मैं आप, आपकी बात से अग्री करता हूं और दूसरा यह कि देखें आ, उनसे गलती हुई आ, और उनको इस टाइम पे जब पाकिस्तान की टीम जो है उसका ना कोई बैलेंस बन रहा था ना कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो उस वो टाइमिंग उनकी गलत थी लेकिन अगर अगर आप मेरे से पूछे तो मोइन मोइन खान का जो अगर सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो काफ़ी अर्से से चीफ सेलेक्टर रहे लेकिन उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई इसी वजह से पाकिस्तान को आज जो है इतना मुश्किल हो रहा है इस वर्ल्ड कप में और आगे भी जाके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हम तो दुआ ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे लेकिन अभी तक ये लोग जो हैं वो सही तरह समझ नहीं सके कि हमने कॉम्बिनेशन किस तरह बनाना ठीक है मैं 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 आमिर साहब उस पर बात करूंगा लेकिन मुझे बताएं अब ये जो कसीनो वाला मामला है जो एक कितना बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्सी बन गई इसको हल किस तरीके से किया जाए क्या रोल अब होगा पीसीबी का मोइन खान साहब का और खासतौर पर मीडिया का और वो जो बेवकूफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनका देखिए बात यह है कि एहतजाज तो लोग करेंगे लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए ठीक है अब क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना है उन्होंने उन्होंने सिर्फ ये कसिनों नहीं देखना उनका उनका जो फर्ज है उन्होंने ओवरऑल ओवरऑल जो वर्किंग है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है उसको देखना है उसको अवैलुएट करके उन्होंने जो जो भी फैसले करने हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में फैसले करने हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को किन किन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है जिसकी वजह से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और लोग जो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट से वो डिलीवर नहीं हो रहा जिया साहब आप चेयरमैन रहे पीसीबी के ये सारा जो सिनेरियो है आपने मोइन खान साहब की जो कंट्रोवर्सी है कैसीनो वाली उसको जिस तरीके से पीसीबी ने हैंडल किया है उस पर आपकी क्या राय है आपका क्या ओपिनियन है उस पर और क्या करना चाहिए इस वक्त पीसीबी को शहजाद पहली बात तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड से यह मालूम करना है कि मोइन खान को किस कैपेसिटी में इन लोगों ने वहां वर्ल्ड कप के लिए भेजा और उनकी ड्यूटीज़ क्या थी अगर उनकी कोई ड्यूटीज़ नहीं थी और उनका कोई रोल नहीं था ना ड्रेसिंग रूम में ना प्लेयर्स के साथ तो मेरे ख़्याल अगर वो अपने उनका पर्सनल फेल है कि अगर वो कैसीनो में गए हैं और जो हमने पिक्चर्स जो मैंने कम अज़ कम देखी हूं, उसमें मुझे वो कोई मतलब जुआ खेलते हुए नज़र तो नहीं आए अलबत्त कैसीनो में ज़रूर पाए गए बहरहाल मैं सिर्फ इतना पहले कह दूँ कि इतना बड़ा खिलाड़ी आ, वो एक रोल मॉडल होता है जूनियर्स के साथ और अगर आप ये काम करेंगे तो फिर बाकी लोगों को आप रोक नहीं सकते लेकिन इसकी वजह से आप मोइन खान को इतना जलील करना और इतने अच्छे खिलाड़ी को जिससे कि 92 वर्ल्ड कप में भी उसका हिस्सा थे और उसके बाद बहुत फतवात हैं इस तरीके से उसको आ, मेरे ख़्याल जलील करना जो है वह मैं कम अज़ कम इसके हक में नहीं हूँ और मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोइन खान को वापस बुलाए वहाँ से इनको अपना टेन्यूर पूरा करने दें और आराम से जो भी इन लोगों ने कर दी है चीज़ें वो आराम से अपने घर में बैठ के लेकिन तो तो आप हैं। तो, पहले आप दो बातें कह रहे रहे कि पहले हैं उनको भेजा क्यों और फिर कह रहे हैं कि बुला क्यों लिया उनको अगर वो उनकी जरूरत नहीं थी वहां पे तो बुला लेना ही बेहतर था ना खासतौर पर इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद नहीं तो मेरा ओके मैं पहली बात तो ये कि अगर बुलाना ही था तो मेरा मतलब इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद आपको बुलाना है बात ये कहने की है कि वो कोई दो एक टेस्ट खेला हुआ आदमी नहीं है उसने उसकी बहुत खदमत हैं बड़े साल वो खेलता रहे यहाँ तो एक टेस्ट वाले यहाँ आके टोटल तजिया नगार बन जाते हैं और लोगों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो चीनी करते रहते हैं बहरहाल मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने जो किया वो ठीक किया वो मना, ना नामनासिब था एज अ सीनियर प्लेयर ही शुड रियलाइज कि मैं जूनियर के लिए क्या वो कर रहा हूँ लेकिन क्रिकेट बोर्ड में पीसीबी आपने ये सवाल उठाया कि पीसीबी ने उनको भेजा क्यों तो मैंने इंटरव्यू किया था नजम साहब का तीन रोज पहले और मैं चाह रहा था कि उसका फॉलो प्रोग्राम फॉलो ही कर लूं लेकिन कुछ ऐसी अहम सियासी स्टोरीज थी जिसमें मुझे प्रोग्राम करने थे तो मैं वो क्लिप सुनवाना चाहता हूं कि जब मैंने ये सवाल किया था तो सेठी साहब आया था जी सुनिए सिलेक्टर मैनेज नहीं करता ना वॉट इज इज नॉट बाय द वे इट्स इंटरेस्टिंग कि जो फाइनल जो सिलेक्शन होती है वो उसमें ही इज ओनली अ मेंबर ऑफ दैट जो टीम की जो सिलेक्शन होती है

दूसरा वो ये कह रहे हैं अगर टूर पर जाके देखेंगे नहीं कि खिलाड़ी के खेल कैसा रहे तो कैसा रहे तो फिर उनके मुस्तबिल के फैसले कैसे करेंगे वो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एज ए चीफ सेलेक्टर जब आप एक स्कॉड अनाउंस करते हैं स्पेशली वर्ल्ड कप की स्कॉड अनाउंस करते हैं तो उसमें सिर्फ टीम के प्लेयर ही जाके विकेट के ऊपर जाके जायजा ले सकते हैं कि ये विकेट किस तरह की होगी ग्राउंड कितनी बड़ी है इधर हवा किस तरह चलती है विकेट में मॉइस्चर है कि नहीं है ये फ्लैट विकेट है कौन से प्लेयर खेलेंगे जब एक सेलेक्टर जो है वो जाके ये चीज़ नहीं देख सकता तो आप उसको मेंबर किस तरह बना सकते हैं आ, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन माँ के ये जो भी पाकिस्तान में जो आ, मसला ये है कि जी सारे जैक ऑफ ऑल हैं किंग ऑफ नान कोई भी नहीं है यहाँ पे हर किसी के डोमेन में जो घुसना चाहता है बात सिंपल सी है अगर आपको क्रिकेट का नहीं पता खुदा के वास्ते पर रहे कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्म्स होती हैं सिलेक्शन की अगर आपने चीफ सिलेक्टर को भेजना था तो फिर टूर सिलेक्शन कमेटी क्यों बनाई हुई आपने आपने यह कोचिज ये सारा क्यों रखा हुआ है फिर पूरी सिलेक्शन कमेटी को भेज देना टीम का मेंबर के साथ मेंबर बना के ताकि वो फिर अपना पूरी तरीके से काम करें ये मेरे लिए नॉन सेंसिपल था, था।, था आमिर सोचा वो ये था कि वो वहां जाके देखेंगे कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी है देखिये वो टीवी पे ज्यादा बेहतर नजर आता है देखिए अगर तो आपने फिटनेस चेक करनी है जिसका इन्होंने बड़ा मचाया हुआ था कि जी हम फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी कर देंगे अगर आपने फिटनेस देखनी है प्लेयरों की फिर तो आपने ग्राउंड पर रहना है अदरवाइज टीवी के ऊपर आपको ज्यादा चीजें बेहतर नजर आती हैं है तो आपने ये सवाल रेज किया था मैंने सुनवा दिया जो सबक चेयरमैन है नजम सेठी साहब और इस वक्त भी एग्जीक्यूटिव कमेटी को हेड करते हैं मेंबर है गवर्निंग बोर्ड के उनका जवाब आपको मैंने सुनवा दिया क्या कहेंगे इस पर शहजाद पहली बात तो यह कि इतने पढ़े लिखे इंसान से मैं नहीं समझता कि उसको झूठ बोलना चाहिए और बग़ैर किसी रिसर्च के कोई बात करनी चाहिए आ, मैं खैर पहले तो ये सुना नहीं था ये आपके क्लिप से मैंने सुना कि लोग अपने बेटों को सिलेक्ट कर लेते काश कि वो बेटा सिलेक्ट मैं ख़ुद ही कर लेता ताकि कम से कम वो अच्छा इंसान तो होता ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और ये आपके साथ आमिर सुहेल बैठे हुए हैं उस वक्त चीफ सेलेक्टर था इनसे पूछने लें कि अगर मैंने इनको भिनक भी दी हो बल्कि इस आदमी ने तो सेलेक्ट भी नहीं किया था उसको बहराज मोइन खान के ऊपर आते हैं बात यह है कि पॉलिसीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत क्लियर हैं लेट डाउन हैं जब आप घर में हैं तो आपका सिलेक्शन कमेटी कोच और कप्तान से आप मशवरा करते हैं लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है वो चीफ सिलेक्टर की होती है और चीफ सिलेक्टर अपनी मर्जी से वो टीम बाहर नहीं भिजवाता चीफ सिलेक्टर वो टीम काउंसिल के सामने पेश करता है उसका अप्रूवल लेता है और उसके हेड होते हैं काउंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब टूर्ट पे जाते हैं ट्वर सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ तीन लोग होते हैं मैनेजर आपका कोच और आपका कप्तान ये आप आ, करते आपको वो वो आप आप खेलेंगे उसमें भी उनकी जो है शहजाद देखो ये लोग अकलमंद हैं ये दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और इनके मतलब इंटेलेक्ट का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता बात कहने की वहाँ आपका मोइन खान एक सुपर स्टार वहाँ आपका वकारयस एक सुपर स्टार वहाँ आपका मुश्ताक अहमद सुपर स्टार वहाँ आपका एन डी फ्लार सुपर स्टार वहाँ आपका मैनेजर ग्रेट ट्वेंटी टू का आपने ये पाँच लोग उधर भेजे हैं तो इस आदमी ने क्या करना है क्या वकार वकारयस जब ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी बोली बोलेंगे अपने मशवरे देंगे क्रिकेटर्स को यंगस्टर्स को तो ऑबियसली गेट कन्फ्यूज मकसद ये है कि इन्होंने अब मोइन खान को बनाना है कुर्बानी का बकरा क्योंकि इन लोगों ने गलतियां की हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है उसको भिजवाने का और ना ही उसको बुलवाने का आप समझते हैं आमिर सोहेल साहब के मोइन खान को जो है अब कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है बलि का बकरा बनाया जा रहा है देखिए शायद ये सोच हो कि ये, ये सारा जो जो फोकस बोर्ड के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था तो इनको वापस बुला के और इनका जो इशू खड़ा हुआ है तो सारा फोकस इधर चला जाएगा मेरा ख्याल है ये नहीं होगा क्योंकि लोग जो हैं वह बहुत ज्यादा तंग हैं ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे माफिया है जो अरसों से अरसा दराज से बैठा हुआ है अब इसे जान छुड़ानी होगी देखिए आपकी परफॉर्मेंसिस जो हैं वो बहुत ऊपर जाने की बजाय बहुत नीचे आ गई ये जनरल तोकीर जिया साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान में पहली दफा हिस्ट्री में आ, एक पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास प्लेयर को पच्चीस हजार रुपया मिलना शुरू हुआ साथ में डेलीज मिलना शुरू हुई और हमने एक पूरी प्लानिंग की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दो हजार ग्यारह के बाद कोई दो सौ प्लेयरों को पचास लाख रुपया देने की पोजिशन में आ जाएगा और हम हमें अपने पल्ले से पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया और देखिए इन बिटवीन जो लोग आए उन्होंने किया क्या कि आज आपका प्लेयर जो है उसको आज भी दोबारा से शुरू किया गया कि पंद्रह हजार रुपया के कि कितने पैसे मिलते हैं इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया इन्होंने सब... आप देखें पा... पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या था और ये कहां पे ले आए हमें ये जब आप तनकीद करते हैं या सबक चेयरमैन तोकीर जिया साहब तनकीद करते हैं तो ये भी बोर्ड को जो है अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त ये सबकर्स क्यों तनकीद करते हो क्योंकि उनका बयान एक दिन पहले ही आ गया था मैं, मैं एक आपको सुनाना चाहता हूं कि सवाल किया था तो नजम से क्या कहा था कि तनकीद क्यों हो रही है बोर्ड पर खासतौर पर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से जी सुनाइए इस किस्म की तनकीद हो तो आप किस माहौल में किस मेंटल फ्रेम में आप ग्राउंड में जाएंगे जिस जिस की मैं मदद नहीं कर सका मैं मेरी मजबूरी थी फॉर प्रोफेशनल रीजंस वो टीवी पे बैठ के गालियां दे रहे जी आ, उन्होंने कहा आमिर सोहेल साहब के एक तो जो जो लोग इस वक्त इस वक्त बोर्ड में नहीं है जिनको नौकरियां नहीं मिली वो बैठ के तनकीद कर रहे हैं इस वक्त देखिए आपको इनको तो ग्लोरीफाई करना ही नहीं चाहिए देखिए नाइनटी में जब हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो ये फ्राइडे टाइम्स में जो आर्टिकल उस वक्त लिखा करते थे इनको वो याद नहीं है जब ये तनकीद के ऊपर तनकीद किया करते थे बात ये अगर आप बुरा करेंगे तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे क्या बोलना बंद कर दें ये टीवी के ऊपर बैठ के प्रोग्राम रोज किसी ना किसी के पतलून उतार रहे होते हैं तो क्या क्या इनको इनको सुनना बंद कर दें बात सिंपल सी है जी के ये मीडिया का दौर है जो हर कोई हर कोई जो है ना प्रोफेशनल से अच्छे रिजल्ट मांगता है अगर आप अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और ये जो बात कर रहे हैं तनकीद हमारा चैनल है हम जो सही बात है वो करते हैं समा के ऊपर जो ट्रांसमिशन हो रही है और साथ में जो गलत चीज हो रही है ठीक है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं जो गलत काम कर रहा है लेकिन साथ हम लोग सोल्यूशन भी दे रहे हैं अगर इनको सोल्यूशन समझ में आ रहे ना तो तो बात करूंगा पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा और ये 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 पहली मरतबा तो ये तो मैंने उनसे पूछा भी था ब्रेक में जाने से पहले बता दूं कि मैंने ये पूछा भी था कि पहली दफा तो नहीं है कि मीडिया प्रेशर है या पब्लिक का प्रेशर है तो हमेशा से रहता है इस पर मजीद बात करेंगे परफॉर्मेंस पर इंतजार कीजिएगा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमारे यहां जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है उनके रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा आपको खुद हैरत होगी कि ऐसे लोग कैसे टीम का हिस्सा बन जाते हैं एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी तो साहब मैं चाह रहा था जो क्लिप मैंने दिखाया था उसका जवाब आपसे भी ले लूं वो कह रहे हैं कि वजह का प्रेशर प्रेशर जो है उस वक्त प्लेयर्स पे है और प्लेयर्स को समझ नहीं आता वो कैच भी आ रहा होता है वो कैच भी ड्रॉप हो सकता है सिर्फ ये सोचते हुए कि अगर ये ड्रॉप हो गया तो क्या होगा तो तनकीद बिला वजह हो रही है देखो शहजाद मेरी बात सुनो ये ये लोग हैं प्रोफेशनल्स ये लोग बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं ये वो बच्चे नहीं हैं जो स्कूल के चौथी पाँचवीं के जिनके ऊपर प्रेशर हो और मीडिया का प्रेशर को आज से तो नहीं है पिछले दस पंद्रह साल से तो मैं देख रहा हूँ बहरहाल देखें मैं आपको बताऊँ कि गलती मैं अब ये तनकीद नहीं है ये बोर्ड की गलती है मैं आपको बताऊँ बोर्ड के काम क्या हैं जब आप टीम को सिलेक्ट करते हैं और जो आपने क्राइटेरिया देना होता है वो क्रिकेट बोर्ड ने क्राइटेरिया देना होता है जिसके हेड हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अब जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में से लड़कों को जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनको नहीं चुनेंगे तो इसका मतलब है कि आप नासाफ़ी कर रहे हैं नंबर वन नंबर टू आप देखो आपने तीस लड़के जब चुने तो उसमें बारह लड़के आपके अनफिट हुए अब अनफिट जो हुए उसके ना चीफ सेलेक्टर का कसूर है ना कोच का कसूर है वो किसका कसूर है क्रिकेट बोर्ड ने मेडिकल स्पेशलिस्ट या मेडिकल बोर्ड ऐसा बनाया ही नहीं जिसमें कि लोगों को देखा जाए उनकी डाइट का ख्याल किया जाए और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो ये तो बोर्ड का कसूर है जब एक दफ़ा आप टीम अप्रूव हो जाती है और ये लोग जब पंद्रह लोग चले जाते हैं उसके बाद क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसके जिम्मेदारी नहीं है वो जिम्मेदारी ग्यारह खिलाने की जिम्मेदारी कप्तान कोच और मैनेजर लेकिन कप्तान की जिम्मेदारी ठीक है और अगर आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे तो उसमें क्रिकेट बोर्ड को तो आप कहना कि जी चेयरमैन रिजाइन कर दे फलाना रिजाइन कर दे तो वो ठीक नहीं है लेकिन इनिशियली जो उसकी फाउंडेशन है थीक उसके अंदर जो सबसे बड़ा काम है वो क्रिकेट बोर्ड का है ठीक आमिर सोई साहब आप मुझे ये बताएं मैं भी ये देख रहा हूँ पिछले जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे उस उसमें बोर्ड पर बहुत ज्यादा जो है इसका नजला गिराया जा रहा है लेकिन आ, क्या हमारे खिलाड़ियों ज्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए और खासतौर पर यह मुझे बताएं कि हमारे खिलाड़ियों का जो इस वक्त स्किल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से इंडियन बैट्समैन से या साउथ अफ्रीका से हम उसके करीब तर नहीं है शहजाद हम उसके बिल्कुल करीब तर नहीं है बहुत ज्यादा जो है वो गैप पड़ गया हुआ है पहले पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी इट वॉज ऑन द राइज अब हम लोग बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है और हम लोग हम लोगों ने नोज डाइव ली और सिर्फ और सिर्फ गलत फैसलों की वजह से अब मसला यह है कि आप प्लेयरों की बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं कि एक एक टेक्निकली जो वेल इक्विप प्लेयर नहीं है वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किस तरह हो जाए फिर आप उसको ड्रॉप करें और उसके ऊपर काम ना करें और उसको आप दोबारा टीम में ले आएं तो यह किसका कसूर है बात यह है कि प्लेयरों को बनाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्ज है अगर वो टेक्निकली इक्विप नहीं होंगे तो आप उनको

उस वो इस क्रिकेट बोर्ड में नहीं चल सकता बिकॉज इन इन आमिर को मुझे ये ऊपर रेसी लगा ये, के बैठने की तो प्रॉब्लम है।, है ये तो एक प्रॉब्लम है लेकिन हमारी जो टीम मैनेजमेंट भी वहां पर मौजूद है जिन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है डिसीजन लेने वो क्या हो रहा है वहां पे कोई ओपनर यूनुस खान को भेज दिया इतने क्रूशल मैच में फिर टीम कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं

चार पांच साल में एक मुश्किल मुख, टूर हुआ आपका साउथ अफ्रीका का वहां पर आपको इतनी कुट पड़ी और मैं पिछले तीन साल से कह रहा था कि ये टूर जो है डिफाइनिंग होगा पाकिस्तान के लिए और उसके बाद आपको चेंजेस करना पड़ेंगे लेकिन फिर वैसा का वैसा फिर आपने आके डेड विकटों के ऊपर खेलना शुरू कर दिया यू डोंट वांट टू लर्न और ना आप अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना चाहते हैं यहीं की यही रखना चाहते हैं और ये जो लोग जोंक की तरह चिमटे हुए वो खून चूस रहे हैं और मेरा ख्याल है कि खून थोड़ा सा रह गया है अगर आपने इसको ना बचाया तो आपकी क्रिकेट जो है मेरा नहीं ख्याल कि आगे बढ़ सकेगी अच्छा एक मुझे बात बताएं जी बात कहने की ये कि मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि जब आपकी टीम बाहर चले जाती है तो उस वक्त ना क्रिकेट बोर्ड का कोई काम नहीं है वहां खेलना कप्तान ने खिलाना है गेम प्लान कोच कप्तान ने बनाना है खेलना खिलाड़ियों ने है उसमें आप तनकीद शहरिया साहब के ऊपर या सेठी के ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं कर सकते लेकिन इनके ऊपर तनकीद सिर्फ ये है कि आया आपने उनको प्रॉपर फैसिलिटीज दी उनको इक्विप किया उनको इंसाफ के ऊपर आपने बाकी लोगों को खिलाया बाकी वहां का कॉम्बिनेशन क्या करना है किसने खेलना है क्या करना है उनमें क्रिकेट बोर्ड का ऑब्वियसली कोई काम नहीं है लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा मेरे ख्याल हम लोग बात कर रहे हैं नजम सेठी की नजम सेठी इज नथिंग इन क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट बोर्ड और शहरियार Therefore, he is is the man who's responsible. चेयरमैन तो आता है ना वो तो आते हैं कुछ अरसे के लिए लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं बोर्ड में जो कि सालों साल से मौजूद हैं और चाहे परफॉर्मेंस बुरी हो या बहुत बुरी हो उनका रहना जरूरी है आपने भी सर्व किया शायद आपके जमाने में भी होंगे इंतखाब आलम साहब हारून रशीद साहब शकील शेख साहब जो कि इस प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हमारे साथ होंगे भी Uh, सुभान साहब ये वो लोग हैं जो कि बोर्ड में बहुत अरसे से मौजूद है और कहते हैं ये एक माफिया से बन गया जो कि चेयरमैन को भी नहीं चलने देता काम नहीं करने देता क्या ये बात दुरुस्त है साहब सॉरी शहजाद आई डोंट एग्री विद दिस आई हैव अ टोटली डिफरेंट व्यू ऑन दिस यस मैं इंतखाब साहब तो मेरे साथ उन्होंने uh, एक दो uh, कोच थे थोड़ी देर के लिए लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ भी गलती जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की है क्योंकि जब आप किसी आदमी को लेके आते हैं पहले बात तो ये है कि आप उस आदमी को राइट जॉब के लिए आप उसको अपॉइंट करें अगर उसकी काप है तो उसमें नहीं है तो आप नहीं उसको अपॉइंट करें दूसरा ये है कि जब आप उसको एक काम देते हैं जो कि काम देना एक लीडर का फर्ज है कि अपने सोल्जर को काम दे और इंश्योर करे कि वो काम होता है या नहीं होता अगर एक दफा नहीं होता एक वार्निंग दूसरी दफा उसको निकाल बाहर करें लेकिन कोई आदमी जो है देखो जब आप कोई मेरी बात अपनी बात नहीं सुनाना चाहता और कि चेयरमैन नहीं सुनना चाहता तो वो भी ठीक है वो कहते हैं हमारी डॉक्टरी लगी हुई है से गुजर लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें जितने लोगों के आपने नाम लिए है दे आर वेरी गुड वर्कर्स एंड दे विल वर्क बट इफ यू वॉन्ट देम टू वर्क एंड इफ यू एक्सरसाइज योर अथॉरिटी वरना तो मेरा मतलब है दुनिया यहां बैठी हुई है जब आप काम ही नहीं कराएंगे तो फिर लीडर का क्या फायदा वहां hmm. अच्छा ए एक तनकीद ये भी बहुत ज्यादा हो रही थी आमिर साहब के और ये राइटली बिल्कुल कहा तो साहब ने भी कि शरियार साहब चेयरमैन है ना लेकिन तनकीद ये की जा रही थी कि देखे वो तो खाली पपेट है और डिफेक्टो चेयरमैन है, है मैंने उनसे सवाल और सुन ले उन्होंने भी क्या जवाब दिया था जी आप है डिफेक्टो चेयरमैन और शरियार खान साहब तो ऐसे ही हैं पपेट है सारे फैसले जो है पीछे से वो आप करते हैं अच्छा अच्छा अर्जी है कि मेरा ख्याल है इसमें कुछ गलत है और कुछ शायद

शहजाद आपको मैं थोड़ा सा आ, सारा सुनारियों आपके सामने रखता हूँ फिर मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ ये इनको हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इंटरम लगाया गया था चेयरमैन और उसके बाद इनको बताया गया कि यह एक इस क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या बन सकता है क्या क्या नहीं बन सकता तो इनको ले और किया गया ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिन लोगों को निकाला जाना था जका अशरफ ने डिसाइड कर लिया था कि ये ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट का गांधे इनको निकलना है उन्होंने डिसाइड कर लिया था तो ये जाके उनके विंग्स के अंदर चले गए सुप्रीम कोर्ट में जब हाई कोर्ट ने जका अशरफ साहब के हक में फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में केस गया जो जो चैलेंज हुआ फैसला उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट आई हुई थी उसके ऊपर डिसीजन करना है लेकिन डिसीजन यह हुआ कि वो सालसी बन गया आपका सुप्रीम कोर्ट जका अशरफ साहब ने कहा अच्छा मैं भी नहीं रहता अगर आ, ये नजम सेठी नहीं होंगे इन्होंने अदालत में कहा कि जी मैं क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं होगा ठीक है जब हिस्सा नहीं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना चाहिए तो था ये पाकिस्तान क्रिकेट तो बोर्ड में क्यों आए हैंग ऑन नहीं नहीं, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड बात सिंपल सी है कि जब ये गवर्निंग बोर्ड में ये हिस्सा बन के आए तो उन्होंने कहा ठीक है इनको आगे कर देते हैं पीछे से जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो जो नॉमिनेट हुए थे उनके साथ मिलकर सारे फैसले में अपनी मर्जी से कराता रहूंगा हर चीज को वीटो कर देंगे इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है अब आके अब आके यार साहब ने थोड़ा सा जान पकड़ी है कि यार सारा कुछ तो मेरे ऊपर आ रहा मैं डिसीजन करूंगा देखे नवीद अक्रम चीमा को ये मैनेजर नहीं भेज रहे थे मोहिंद खान को चाहते थे नजम सेठी साहब वहां पे बड़ा स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आया नहीं इनको नवीद अक्रम चीमा को जहां पे फिर इन्होंने जान बूझ के मोहिंद खान को ऑस्ट्रेलिया भेजा कि नई प्रोविजन निकाल के बात यह कि डिसीजन इन्होंने की है और मैं आपको कल एक बताता जाऊं कल मीडिया राइट्स की बीडिंग हो रही है पाकिस्तान में जो टेलीविजन राइट बिके हैं है। पाकिस्तान क्रिकेट के उसमें 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 ठीक है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को फिर नुकसान पहुंचाना लास्ट टाइम एक सौ मिलियन के करीब ये बिके थे राइट्स अब आप देखिएगा और इन्होंने उसके बाद नाजिर आपके सामने हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे शकील शेख साहब जो कि गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं इस्लामाबाद रीजन के सदर भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शकील शेख साहब प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है शकील साहब टीम की परफॉर्मेंस पे तो तनकीद हो रही है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार जो है वो बोर्ड की नाकिस प्लानिंग को भी करार कर, कर दिया जा रहा है और आप पिछले कई सालों से बोर्ड में है क्या कहेंगे इस होने वाली तनकीद पर आप देखिए मैंने सारा प्रोग्राम अभी सुना है और आप मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि मैं पॉइंट वाइज जवाब देना चाहता हूँ देखें जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी उस वक्त ये छः मेंबर की कमेटी थी उन्होंने ये टीम बनाई थी और तकरीबन 99 परसेंट जो पब्लिक रिएक्शन था जो मीडिया रिएक्शन था वो पॉजिटिव था लोगों ने इस टीम को अप्रिशिएट किया था और इसमें कोई किसी किस्म का फ्लॉ और कोई चीज़ नहीं थी इसलिए जब ये टीम गई थी देखें दो दिन सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे हुए हैं लड़के अच्छा नहीं खेले हैं लेकिन यही लड़के हैं इन्होंने खेलना है मैं एग्री करता हूं उन लोगों से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करेगी यही हमारे हीरो हैं और इन्होंने ही इन शाला पाकिस्तान को आगे लेके जाना है टीम की सिलेक्शन पे जो भी इतराजा किए गए हैं वो बिल्कुल बोगस हैं गलत हैं और उसका हकीकत से कोई तलक नहीं है लेकिन लोग अपने स्कोर सेटल करना चाहते हैं वो लोग लेकिन वो वहां वो पे जिस तरह की मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है उस पर तो बड़ी तनकीद हो रही है वो तो जायज भी लग रही है कि इतने बड़े मैच में आपने यूनुस खान को ओपनर बना दिया फिर उसको वन डाउन लेके आ गए देखें ना ये देखें देखें आपके चीफ सिलेक्टर वहां पे थे कोच वहां पे थे कैप्टन वहां पे थे उन्होंने जो बेहतर समझा वहां पे उनको यहाँ से कोई डिक्टेशन नहीं दी गई ना शहर यार साहब ने ना किसी और ने दी है उन्होंने जो बेहतर समझा पाकिस्तान के लिए वो खिलाया और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए मैं अभी भी कहता हूँ कि मीडिया को भी और पब्लिक को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए देखिए दो तीन बातें बड़ी देखिए की गई है और क्योंकि मुझे अभी ये लाइन पर नहीं लिया गया लेट लिया गया कि नजम सेठी साहब का रोल क्या है और ये शेर यार साहब का रोल क्या है मैं आपको बताऊं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बनाया वो मैंने इस जो पुरा, फैस पुरा फैस मैंने नजम साहब से पूरा पूरा उस पर प्रोग्राम किया और वो, वो बड़े अच्छे तरीके से समझा चुके हैं और उन्होंने साफ साफ इस चीज को आ, कहा है कि वो कोई उनका डिफेक्टो रोल नहीं है वो मैं समझ चुका हूँ वो मैं तफसील में मैंने तमाम उनसे बात कर ली थी अब किसी का कोई पॉइंट हो सकता है इस पे तो वो अपनी जगह पर सही शेर याद साहब जो हैं ही इज कॉलिंग शार्ट वो चेयरमैन हैं अफेक्टिव चेयरमैन हैं हम सब लोग उनके साथ हैं जो भी वो फैसला करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उन्होंने टीम अप्रूव करनी है मैनेजर उन्होंने लगाना है चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी उन्होंने लगानी है और सारे फैसलों को हम ऑन करते हैं एक और इशू पे मुख्तसर मैंने बात की थी नजम सिटी साहब से लेकिन मैं आपसे उसमें तफसील से बात करना चाहूंगा आपके साहबजादे हैं है मोईद अहमद वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं इस्लामाबाद के लिए ये बात दुरुस्त है जी बिल्कुल खेलते हैं और आपने वो सवाल किया था मैंने वो वही वाला सवाल आपने रिपीट करना है वो एज ए ऑलराउंडर खेला है उसकी इंटर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ग्रेड टू की भी बहुत अच्छी थी और दूसरी बात है कि जो रीजन की सिलेक्शन है रीजनल हेड कोई नहीं करता ये सवाल ही गलत है इसलिए कि वो नेशनल सिलेक्टर आता है वो इसको सिलेक्ट करता है और फिर जो खिलाने का रोल होता है वो जो हेड कोच होता है रीजन का उसने खिलाना इसलिए ये कोई इसमें रीजनल हेड का कोई रोल नहीं होता मैं इस पर पूरा अपना सवाल करूं उसके बाद आप मुझे जवाब दीजिएगा एक तो ये कि वो मोहित अहमद के नाम से खेलते हैं वो मोहित शेख के नाम से नहीं खेलते जो कि उनका गालिबन पूरा नाम है अब बीस उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले आप कह ऑलराउंडर की हैसियत से खेले सर बीस मैचेस में उन्होंने चार रन बनाए हैं उनकी जो एवरेज है बैटिंग की वो बारह रन से कम की है बॉलिंग में बीस में उन्होंने सिर्फ छ विकेट हासिल की हैं और ये मैं फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड बता रहा हूं जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसमें उन्होंने

और इस्लाबाद की टीम जो है ना लास्ट ईयर कायदा ट्रॉफी का फाइनल खेली है इस साल भी अगर मोहित की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो कोच ने उसको ड्रॉप कर दिया आप रिकॉर्ड पूरा निकाल के देखें दो सर, मैच देखे ग्यारह में से और उसके बाद दो हजार चौदह तक का ये रिकॉर्ड है सर ये मुझे बताएं कि ये अगर आपकी सिफारिश से नहीं खेल रहा तो इस रिकॉर्ड के साथ ये लड़का कैसे हो सकता है किसी भी फर्स्ट क्लास की टीम में नहीं मैंने कहा कि रीजनल एड का तो रोल ही कोई नहीं है ये तो सिलेक्टर्स आते हैं नेशनल वो सिलेक्ट करते हैं उसकी इंटर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस आपने अभी निकाली नहीं है उसकी जो ग्रेड टू की सीडीए की तरफ से खेला था वो परफॉर्मेंस बुनियादेंट परंबर तीन पे खिलाते मैच में उसको नंबर दस पे बैटिंग करवाई तो समझ जाए कि वो कहां का ऑलराउंडर होगा सर देखिए अगर इसी तरह हम फर्स्ट क्लास में लड़कों को चांस देते रहेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे पास कहां से अच्छा प्लेयर आएगा फिर निकलकर नहीं दस नंबर पे इसलिए नहीं खेला मेरा ख्याल है वो बीमार था इंजर्ड हो गया था शायद इसलिए गया था आपको शायद पूरा पता नहीं है क्योंकि ग्राउंड में तो आते आएंगे तो फिर पता लगेगा और ये कोचिज का काम है मेरा काम नहीं है ये लेकिन सर ये जो बातें इन्होंने नाजरीन के सामने ये रिकॉर्ड रिकार्ड नहीं ये रिकॉर्ड के साथ सर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं मुझे आ रहा है या तो या तो सिफारिश इनडायरेक्टली लगी है या डायरेक्टली लगी है वरना बीस मैचेस तो नहीं खेल सकते आप इस रिकॉर्ड के साथ आप दो मैच खेल ले तीन मैच खेल ले अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस पे लेकिन इसके बाद तो इसी तो मैं कह रहा दो मैच इस साल खेला था कोच ने दो मैच खिलाए थे मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया उसने ड्रॉप ड्रॉप कर ड्रौक कर दिया था मैच नहीं खेला था तो अब फाइनल खत्म इनका कैरियर खत्म हो गया या मजीद खेलेंगे अभी इसी रिकॉर्ड के साथ ये नहीं ये तो अगर अगर खेलेंगे अच्छा तो कोचेज और नेशनल सिलेक्टर आके इनको रख लेंगे अगर नहीं खेलेंगे अगर रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो इट्स ऑर राइट इसमें क्या है

तो फर्स्ट क्लास को आपके लोगों को जाके उनको देखना चाहिए मैचेस किस पिच पे खेल रहे हैं कौन लड़के खेल रहे हैं वहाँ से आप लड़कों को सिलेक्ट करें मैं समझता हूँ कि नांसाफ़ियाँ हुई हैं अगर समी असलम को नहीं खिलाया रिजवान को नहीं खिलाया किसी और को नहीं खिलाया बहुत अच्छे आपके प्लेयर हैं लेकिन किसी एक लड़के के पीछे इसलिए आपने दो हज़ार क्लब है और अगर आप देखें तो अगर वो अच्छा नहीं है लड़का कोई तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा लेकिन मेरा पॉइंट इसके ऊपर नहीं है ये पूरा आपका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत है आपके सिलेक्शन कमेटी को या आपके बहुत अच्छे जो क्रिकेटर्स हैं उनको आपको ये टास्क देना होगा कि जाके लोगों को चुने मेरा पॉइंट सिर्फ वो ये था कि जो आमिर सुहेल कह रहे थे ना मैं आमिर सुहेल मेरा बहुत प्यारा आदमी है मैं उससे डिसग्री करता हूँ अपनी परसेप्शन के ऊपर कभी किसी आदमी को जलील मत करो अगर अभी टीवी राइट्स आए नहीं हैं और आप ये परसीव कर रहे हैं कि वो ये कर देंगे या वो वो कर देंगे भाई अगर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिकेट बोर्ड में है तो अच्छा होगा अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है तो बुरा होगा लेकिन बात कहनी शेट्टी साहब आप देखो ए, एक सेकंड करेंगे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना उनको क्रिकेट का पता है ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है तो व्हाई इज ही देयर तो लेकिन ये बात भी बोर्ड ने बड़ा जो है राइट्स जो रिसेंटली भी मुझे बताया गया है जिस तरीके से डोमेस्टिक uh, को स्पॉन्सर किया गया तो उससे बोर्ड ने पैसा भी बड़ा कमाया ये भी बात, बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे दे ये, ये, बिल्कुल उनका हक है के वो दिसग्री, दिसग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी भी, मेरी भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और मैं इंफॉर्मेशन के बगैर बात करने वाला बंदा ही नहीं हूं और दूसरी चीज़ यह है कि जनरल साहब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मैं सुनी सुनाई बात करने पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता और बात यह है कि डिसग्रीमेंट कोई कर सकता है कल आपको पता चलेगा इस इ, इन टेलीविजन राइट्स की जो वैल्यू है लास्ट वन फोर्टी फाइव पे बिके हुए हैं फोर्टी के करीब और इसकी इस वक्त जो जो मार्केटिंग वाले हैं वो उसकी अवेल्युएट किए हुए हैं दो सौ मिलियन के ऊपर आप मुझे यह बताएं कि ये जो आपने मार्केटिंग डायरेक्टर रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो इस कमेटी का मेंबर क्यों नहीं है वही सारी डील करता है आप मुझे इस चीज का सिर्फ मन तक समझा दें कि वो क्यों नहीं है और वो मुल्क से बाहर क्यों है आमिर सोहेल साहब इस चीज़ पे मेरे ख्याल से आप कल मज़दीद अपने प्रोग्राम में रोशनी डाल सकेंगे तोकिज़या साहब बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब आपका शकील साहब आपका भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम आपने देखा नाजम इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर इजाजत दीजिए